नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मात्र 5% लोग ही भविष्य में आईएएस या पीसीएस का पेपर क्रैक करेंगे या एक स्टेप आगे जाते हैं। जितने भी लोग आईएएस पीसीएस का फॉर्म भरते हैं उनमें से मात्र 5% लोग होंगे जो भविष्य में कभी आईएएस पीसीएस बन पाएंगे या कोई सरकारी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब आप 5% में आते हैं या 95% में आते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? दोस्तों, कई बार आप लोग जब तैयारी करते होंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं तैयारी करते होंगे, तो कई बार तैयारी करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती, या जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी डाउट रहता है कि क्या भविष्य में वो सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी कौन डिसाइड करेगा कि आप 5% में होंगे या 95% में होंगे? दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज का वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके मन का जो सबसे बड़ा डाउट है कि आप भविष्य में सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे, आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ा डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है, महाभारत काल का टाइम था और अर्जुन के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ गया। अब अर्जुन जब भी कंफ्यूज होता था तो वो प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है और अर्जुन कहता है कि भगवान, जिस तरह से इस पूरी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, मेरे सभी विचारों को ईश्वर ने बनाया है, तो क्या जो भी नेगेटिव विचार मेरे मन में आते हैं क्या वो भी ईश्वर की वजह से है? मैं जो भी गलत सोचता हूँ या गलत विचार मेरे अंदर आ रहे हैं तो वो भी ईश्वर की वजह से आना चाहिए, और अगर ईश्वर की वजह से आ रहे हैं तो मेरा तो कोई रोल नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब कोई और व्यक्ति होता तो इस नेगेटिव विचार के ऊपर आंसर जो है वो बहुत हल्का देता, बोलता है अरे तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो तो शैतानों की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे सवाल का जवाब जो है मैं बहुत टेक्निकल दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, तमस, रजस और सत्व। तमस जो ऊर्जा है वो है नेगेटिव एनर्जी, रोकने की, इनर्शिया की, इस तरह की जो भी विचार, जो भी आपके थॉट आते हैं वो सब आपके तमस की वजह से आते हैं। तमस की ऊर्जा जो होती है वो उसके वजह से आते हैं। इस ऊर्जा का काम क्या है कि आपको नेगेटिव की तरफ ले जाना, आपके विचारों को नेगेटिव की तरफ लेके जाना, आपको काम ना कर सको, स्टेटस को का सिचुएशन मेंटेन रहे। तो ये जो ऊर्जा है वो तमस ऊर्जा रहती है। अब ये ऊर्जा बड़े काम की ऊर्जा है। अब आपको अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो क्या हुआ, नेगेटिव ऊर्जा का भी बहुत काम है। जैसे गाड़ी के अंदर, अब कोई गाड़ी बिना ब्रेक के होगी तो क्या आप उसको बैठना पसंद करोगे? तो ब्रेक जो है वो तमस ऊर्जा है, नेगेटिव है, रोकती है आपको। वहीं दूसरी तरफ एक और ऊर्जा है, रजस। अब रजस जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, कुछ करने के लिए आतुर है, अच्छे विचारों की रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो अब ये जो ऊर्जा रजस है ये आपको कोई नया काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये जो रजस की ऊर्जा है ये तमस की ऊर्जा के बिना बेकार है। अब रजस की ऊर्जा कहने को पॉजिटिव है, बट इसकी जो आइडेंटिटी है या इसकी जो महत्व है वो तब तक है जब तमस की नेगेटिव एनर्जी है। एक गाड़ी अगर हो जिसमें खाली सिर्फ एक्सेलेटर हो और ब्रेक ना हो तो क्या आप उस गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? अब इसमें एक्सेलेटर जो है वो हो गया रजस ऊर्जा और जो ब्रेक हो गया वो हो गया तमस ऊर्जा। तो ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक नहीं है, ऐसी गाड़ी पे आप बैठना पसंद नहीं करोगे। तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हो जाना भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप ऐसी किसी गाड़ी में नहीं बैठोगे जो सिर्फ एक्सेलेटर हो, जो सिर्फ चलना जानती हो, रुकना ना जानती हो, क्योंकि इस पर फिर दिक्कत यह है कि कभी भी गाड़ी जाके कहीं भिड़ जाएगी, उसका एक्सीडेंट होना तय है। तो तमस ऊर्जा और रजस ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का अपना अपना महत्व है, लेकिन यह महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब तीसरी ऊर्जा आती है जिसका नाम है सत्व। और सत्व ऊर्जा जो है उसका काम है दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना,
दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना। जैसे गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है जो एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को यूज करते हुए गाड़ी को सही डायरेक्शन में सही तरीके से चलाता है, वैसे ही सत्व ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों को बैलेंस करके गाड़ी चलाती है। तो सत्व ऊर्जा का काम है तमस ऊर्जा और रजस ऊर्जा को बैलेंस करना, और जब आप बैलेंस करते हैं तो आप एक सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हो। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहा जाता था कि जो एटम है वो बेसिक यूनिट है मैटर की, बेसिक यूनिट, और जब एटम को भी तोड़ा गया तो तीन तरह की चीजें निकली उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ तमस, प्रोटॉन इज लाइक अ रजस और न्यूट्रॉन इज लाइक अ सत्व। अब किसी भी चीज को तोड़ोगे तो तीन ही ऊर्जा निकलेंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये समय क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं जानोगे, आपका जो सवाल है कि आप 5% में आते हो या 95% में आते हो, इस सवाल का जवाब नहीं समझ पाओगे आप। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से बने हो, ईश्वर ने किस तरह से बनाया आपको। तो एनर्जी की भाषा में समझ सकते हो तो तमस रजस और सत्व। अब जब ये ऊर्जा अपना अपना रोल प्ले करती है, देखिए ये इंडिपेंडेंट अपना अपना रोल प्ले करती है, जब किसी इंसान के अंदर होती हैं और जब किसी ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति उसी तरह से बिहेव करने लगता है। अगर तमस की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर रजस की एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो पॉजिटिव हो जाता है। एक बहुत ही फेमस किताब रही है 20वीं सदी की, द क्राइम एंड द पनिशमेंट। उस नॉवेल में जो एक पात्र है वो एक पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में आता है, एक शहर में आता है, वहां पर एक किराए के मकान में रहता है। उसकी तो मकान मालकिन है वो 75 साल की बुढ़िया औरत है, और उसका मेन काम है कि लोगों को उधारी पैसे देना, मतलब 10 के 12 करना, किसी को पैसा देना और बड़ी शिद्दत से उनसे पैसा लेना, मतलब 1-1 रुपए का इंटरेस्ट जो है वापस लेना। जब भी ये हमारा जो कैरेक्टर होता है वो देखता है इस औरत को तो बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि यार 75 साल की औरत है ये, अगला पता नहीं कब जिएगी कब मर जाएगी, लेकिन ये कितने बेरहमी से ये पैसा लूटती है लोगों का, कितनी बेरहमी से इंटरेस्ट लूट रही है, और ये गरीब लोग तो यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों नहीं इसको मार देते हैं, कोई इसको रोकता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्यों नहीं इसको मार देते हैं, इतनी बेरहम औरत को जीने का हक ही नहीं है। फिर दूसरे बार उसका विचार आता कि यार मुझे क्या करना है, मैं तो यार पढ़ने के लिए हूं, मैं पढ़ाई करता हूं। ऐसा करते करते 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल बाद अचानक से जो हमारा करेक्टर है उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, घर से पैसे नहीं आ पाता है, तो सोचता है कि अपनी घड़ी को उस जो मकान मालिक ने उसके पास गिरवी दे देते हैं और कुछ पैसा ले लेते हैं। वो जाता है बुढ़िया के पास और कहता है कि ये घड़ी मैं गिरवी रख रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। वो घड़ी देता है उस औरत को, और औरत जो है उसको दिखता तो था नहीं, तो वो थोड़ा रोशनी में जाती है और रोशनी में जाके घड़ी को ऐसे करके देखने लगती है। अचानक से पता नहीं क्या होता है उस हमारे मेन पात्र को, वो गुस्से से आता उस महिला का गला दबा देता है, और इतने जोर से गला दबाता है कि महिला के मकान मालकिन का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अब जैसे वो मरती है हमारा मेन पात्र उसका तो दिमाग आउट हो जाता है, कहता यार ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने कैसे कर दिया, मैंने इसको मार दिया, मैंने क्यों मार दिया इसको, और वो भाग के चलाता कमरे में और कमरे में आके बिस्तर में आके लेट जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने क्यों मारा इस औरत को, मैं तो वहां पैसे लेने गया था, मैंने क्यों मार दिया इस औरत को, ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों नहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाया, क्यों मैं इतना नेगेटिव हो गया कि उसका मैंने गलत दबा दिया। जो आज उस कैरेक्टर ने किया उसका बैकग्राउंड या उसकी बीज तो 2 साल पहले ही से बो रहा था। वो जब भी वो बुढ़िया को देखता था तो उससे गुस्सा आता था, और गुस्सा धीरे धीरे जब भी उसको दिखता था उसके अंदर जो तमस की एनर्जी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती थी,
धीरे धीरे बढ़ती थी, धीरे धीरे बढ़ती, और जब 2 साल के अंदर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब एक मौका आता है तो उस मौके पे वो एनर्जी अपना प्रभाव डालती है और वो उस एनर्जी के प्रभाव में आकर उस औरत का गला दबा देता है। अचानक से कुछ नहीं हुआ था, ये 2 साल में जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो वो इकट्ठा कर रहा था उसका रिजल्ट था। आप भी कुछ अचानक से कुछ नहीं करोगे, आज आप जो सफल हो रहे हो या असफल हो रहे हो या भविष्य में सफल हो गए या असफल हो गए, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रहे हो, किस प्रकार की एनर्जी को अंदर सोख रहे हो। उम्मीद करता समझ में आ रहा हो धीरे धीरे आपको मैं क्या कहा ले जा रहा हूं। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि पेड़ को एक गमले में लगाता और नाप तोल करके कितनी मिट्टी लगानी, कितना पानी देंगे, कितना देंगे, और उस हिसाब से वो ये जांच करना चाहता था कि एक जो बीज है जिसको हम गमले में लगाया है, जब वो पेड़ बनेगा तो कितना अमाउंट ऑफ मिट्टी यूज करता है पौधा अपने आप को बड़ा करने में। तो गमले में मिट्टी को नाप तोल के रखता है, उसमें एक बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, और धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद जो बीज है वो थोड़ा सा बड़ा सा पेड़ बन जाता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट उस मिट्टी को नापता है कि भाई कितनी मिट्टी बची, तो देखता है कि मिट्टी लगभग उतनी ही है जितनी उस समय बीज डालने के समय हुई थी, लगभग उतनी ही है, बस 40 ग्राम मिट्टी कम हुई है, बस 40 ग्राम मिट्टी कम हुई है। और वो भी ये नहीं पता कि वो मिट्टी जो पौधे ने इस्तेमाल कर ली है या हवा या पानी की वजह से बह गई है, लेकिन 40 ग्राम मिट्टी खत्म हुई है। लेकिन जब उसने पेड़ को नापा तो शुरुआत में बीज तो इतना छोटा सा था, लेकिन अब वो नापता तो इतना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया, मिट्टी तो उतनी ही है लगभग, मिट्टी तो खपत हुई नहीं, ये पेड़ कितना बड़ा क्यों हो गया, मिट्टी ने तो अपना रोल इतना सा प्ले किया, लेकिन पानी, हवा, सूरज की रोशनी, इन सब ने भी अपना रोल प्ले किया और इन सब की एनर्जी धीरे 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 उस बीज में आई और वो बीज बड़ा पेड़ बन गया। आपके साथ जो लोग रहेंगे, आप जिन लोगों से बातें करोगे, आप जिन लोगों की सुनोगे, उनका प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पे पड़ेगा और धीरे 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 वो प्रभाव पड़ते पड़ते उनके विचार आपके विचार बन जाते हैं। अगर आपने ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो ये सारा सोचते हैं कि यार कुछ हो सकता ही नहीं है, आईएएस पीसीएस बनना तो बहुत इम्पॉसिबल काम है और मेरे बस की बात नहीं है, तो यकीन मानिए 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद आप भी इस बात पे यकीन करना शुरू कर दोगे कि आईएएस पीसीएस बनना मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है और आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो तमस वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो ये बोलते हैं कि यार आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, मुश्किल है तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, यकीन मानिए 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आप भी यकीन करने लगोगे कि आईएएस पीसीएस बनना पॉसिबल है और आप बन सकते हो। आप कितने भी पढ़ाई में लधड़ क्यों ना हो, आप कितने भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आपकी सफलता कितनी भी कम क्यों ना हो, आप इस बात पर यकीन कर लोगे कि एक दिन आप आईएएस पीसीएस बन सकते हो, क्योंकि अब आपके अंदर रजस एनर्जी अंदर आ गई है। तो आप किन लोगों के साथ बैठे हो, किस तरह के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, वो सिर्फ डिसाइड करेगा कि आप कल 5% में जाओगे या 95% में जाओगे आप। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि कभी वो डीएम एसडीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो मैं उनको कहता हूं कि इतना बड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं, किन विचारों को वो ले रहे हैं, किन विचारों को से अपने दिमाग को पोषित कर रहे हैं, बस वही डिसाइड करेगा। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, यकीन मानिए एक ना एक दिन वो जरूर सफल होंगे, देर सवेर होगी अलग बात है, लेकिन सफल जरूर हो जाएंगे। लेकिन आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी होनहार क्यों ना हो, कितने भी आपके पास रिसोर्सेज क्यों ना हो, कितने भी मालदार क्यों ना हो, कितनी भी किताबें खरीदने की क्षमता क्यों ना हो, कितने भी नोट्स खरीदने की क्षमता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों साथ रह रहे हो, मैं लिख के देता हूं, आप कभी जिंदगी में आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते, क्योंकि आपने अपने अंदर तमस एनर्जी इकट्ठी कर ली है। तो अगर
आपको कल बनना है आईएसपीसीएस, तो पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर डालिए। सबसे बड़ा चीज यही है कि वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। अब वो खुद आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आप किताबें पढ़कर आ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, नोट्स के ला सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से भी नहीं आ पा रही है, आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, तो फिर इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये नंबर मेरा है, मैं आपको सिखाऊंगा तैयारी कैसे की जाती है। सिलेक्शन के लिए कोई जादू किताब नहीं है, आईएसपीसीएस के लिए कोई जादू किताबें नहीं है, किताबें सब वही ऑर्डिनरी हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, जो बिलीव चाहिए, जो कहीं नहीं मिल पा रहा है, वो हम देखते हैं आपको। अगर आपको आईएसपीसीएस बनना है और आपके पास ऐसा एनवायरमेंट नहीं है, तो उस एनवायरमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। यूपीपीसीएस 2023 के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसको में ज्वाइन कीजिए। आप एक डेढ़ साल का समय दे दीजिए ना, आपको मैंने आईएसपीसीएस बना दिया, आप कहिएगा बना पाते नहीं बना पाते, कम से कम 5% में आ जाएंगे। 23 में नहीं बनोगे 24 बन जाओगे, 24 में नहीं बनोगे 25 बन जाओगे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देंगे, जितना हो सके रजस्व एनर्जी आपके अंदर डालेंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर एक फंडामेंटल चेंज होना शुरू हो गया। और जिस दिन आपके अंदर फंडामेंटल चेंज शुरू हो जाएगा, आप बदल जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, यकीन मानिए उस दिन आप ना सिर्फ आईएसपीसीएस के एग्जाम में सफल होगे, बल्कि जीवन में सफल हो जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, उन सभी चीज़ों से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हर चीज़ पॉसिबल है, एग्जाम यहाँ से क्रैक होता है, बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम, आप अगर बिलीव करते हो आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, और अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो भैया चाहे कोई भी रिसोर्सेज है, कुछ भी पढ़ लो, कोई कोचिंग कर लो जाके, कोई भी आपको आईएसपीसीएस नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। अभी कोई समस्या हो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, पर्सनली मुझसे बात कीजिएगा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, मुझसे बात पूछिए, ठीक है। मैं भी कभी ऐसा लगता कि नेगेटिविटी से घिरा हुआ था, मैंने बहुत अपने आप को संभाला है, ये बातें पर्सनली मैंने झेली हैं, इसलिए मैं बता पाता हूँ आपको। मैं सब कुछ यहाँ चलता है, सब कुछ यहाँ पर है, आपके सफलता असफलता सब कुछ आपके यहाँ पर है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।